To hit that like button and subscribe to my YouTube channel so that you will never miss an update. Also follow me on Instagram. My Instagram handle is at @theritwichrecipes123. There I share the live updates of what I do and what I eat. Try the food from the Indian section and here I've got the naan. ये है बटर नान और ऊपर से कितना सारा धनिया लगा रखा है इन्होंने. ओके ये बटर गार्लिक नान है, इस पर गार्लिक भी लगा है तो बहुत ही अच्छा सा अरोमा आ रहा है इससे. और यहाँ पे है शाही पनीर, इसका कुछ और नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट शाही पनीर आप कह सकते हो इसको. थोड़ा सा ले आई बिकॉज यहाँ पे ना ऑप्शन थोड़े कम थे, फिर नान भी तो ट्राई करना था तो इसलिए ले आई. यहाँ पे है अमचूर वाली भिंडी, ये मेरे को पसंद है. देयर आर द स्टीम राइस, स्टीम राइस मेरे को सही लगते हैं. यहाँ पे स्प्राउट सैलेड है विच इज़ माई फेवरेट. यहाँ पे दाल तड़का और फ्राइड पापड़, तो पहला वाइट फ्राइड पापड़ का ही लूँगी मैं. बाय द वे पापड़ दाल और चावल का कॉम्बिनेशन तो बेस्ट होता है, तो पापड़ तो लाना ही था. यहाँ पे अचार भी होता है, आप ला सकते हो, मगर मैं नहीं लाई. पापड़ काफ़ी क्रिस्पी एंड फ्रेश है. नाउ आई ट्राई द नान विद पनीर की सब्ज़ी. काफ़ी पतला सा नान है इनका, ऐसे मोटा सा खिंचा खिंचा सा नान नहीं है, विच इज़ अ गुड थिंग. नान को ट्राई करूँगी पनीर की डिश के साथ. ये पनीर बहुत अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट है एकदम इसका टेक्सचर, और ग्रेवी भी थिक सी है, टमेटो बेस्ड ग्रेवी है. पनीर की ग्रेवी में क्रीम काफ़ी सारी यूज़ कर रखी है इन्होंने, तो उससे ना ऐसा सिल्की सा टेक्सचर आ गया है डिश में. और जैसे इसमें बटर भी डाला है बिकॉज ना आई कैन एक्चुअली टेस्ट इट, अच्छा लग रहा है. कसूरी मेथी और गार्लिक का स्ट्रॉन्ग अरोमा आ रहा है. टोटली लविंग दिस डिश. नान के साथ भिंडी पता नहीं खानी चाहिए या नहीं, पर खाऊंगी मैं तो. वैसे आप लच्छा पराठा भी ऑर्डर कर सकते हो. ये अमचूर वाली भिंडी है और ऐसे लंबी लंबी काट के बना रखी है इन्होंने. इसमें भी इन्होंने प्याज टमाटर का तड़का लगा रखा है. मुझे लगा था कि पनीर की डिश बहुत अच्छी है, मगर भिंडी उससे भी ज़्यादा अच्छी लग रही है. भिंडी को इन्होंने शैलो फ्राई करके बनाया है तो चिपचिपी बिल्कुल नहीं है, हल्का सा क्रंच आ रहा है इसमें. प्याज टमाटर को ना पीस के डाला है इन्होंने इसमें, तो मुंह में पता नहीं लग रहा है मगर इसका फ्लेवर तो आ रहा है. अनदर बाइट. बेस्ट है. ये लास्ट बाइट बचा है, ये भी खा ही लेती हूँ, उसके बाद दाल चावल ट्राई करेंगे. नाउ आई ट्राई द दाल राइस. दाल इन्होंने दो चार टाइप की मिक्स करके बना रखी है. आई कैन सी मूंग की दाल इन इट और थोड़ी सी अरहर की दाल भी डाल रखी है इन्होंने.
हरी मिर्च और टमाटर का तड़का लगा रखा है, काफ़ी अच्छी सी दिख रही है। तो दाल राइस ट्राई करूँगी। मेनली ना इन्होंने मूंग की दाल यूज़ कर रखी है, छिलके वाली, अच्छी लग रही है। हींग डाल रखा है बहुत सारा, गार्लिक नहीं है इस डिश में। स्प्राउट सैलेड भी ट्राई करूँगी, स्प्राउट सैलेड इज़ माय फेवरेट। और इन्होंने इसे चना स्प्राउट्स और मूंग बीन स्प्राउट से बना रखा है, काफ़ी सारा प्याज टमाटर डाला है इसमें। ये सैलेड अच्छा तो है मगर ना बेटर हो सकता था। इन्होंने ना कच्चे वाले स्प्राउट्स यूज़ किए हैं, वैसे तो मुझे पता है स्प्राउट सैलेड में कच्चे ही यूज़ होते हैं, मगर ना जो महागुन सरोवर पोर्टिको है वो उसे ब्लांच करते हैं पहले स्प्राउट्स को और फिर बनाते हैं सैलेड, तो उनका बेटर लगता है मुझे। मगर हाँ ये भी अच्छा है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है और दाल राइस के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। वैसे तो ना दाल राइस मेरे को हमेशा पसंद आते हैं, मगर इनका नान इतना अच्छा है ना कि मुझे नान और भिंडी का कॉम्बिनेशन बेस्ट लगा, तो मैं सोची हुई दूसरा वाला भी ले लेती हूँ। सो यार गाइस, नाउ गोना फिनिश ऑल दिस एंड मीट यू विद द डिजर्ट। यहाँ पे आइसक्रीम भी आ गई है और वनीला फ्लेवर ऑप्ट किया मेरे डैड ने। यहाँ पे आप चॉकलेट या फिर मैंगो भी ऑप्ट कर सकते हो। मैं कंफ्यूज हूँ कि आइसक्रीम मंगवाऊँ या फिर हलवा लेकर आऊँ। टाइम टू ट्राई द डिज़र्ट। और यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ हलवा, दिस इज़ द मूंग दाल हलवा। तो थोड़ा सा ही लाई हूँ मैं बिकॉज इट इज़ नॉट माई फेवरेट। इसके अलावा आप यहाँ पे ब्रेड पुडिंग ऑप्ट कर सकते हो, मगर उसमें एग था तो मैंने ली नहीं। और हाँ, आइसक्रीम का भी ऑप्शन होता है तो हलवा भी ट्राई करूँगी। हलवा में इन्होंने चॉप ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और अब खा के देखते हैं कैसा है। ये कलर तो काफ़ी अच्छा है इसका। हलवा इसका गुड, अच्छे से भून रखा है इन्होंने घी में और काफ़ी कोर्स टेक्सचर है, परफेक्टली स्वीट है, ओवरली स्वीट नहीं है, फीका फीका भी नहीं है। सो यार इट्स क्वाइट गुड। मुझे ना ऐसा वाला हलवा अच्छा लगता है, थोड़ा ड्राई। काफ़ी जगह पे ऐसे गर्मी टेक्सचर वाला हलवा होता है ना, मुझे पसंद नहीं आता। मेरे को ना मेट्रोपॉलिटन होटल का हलवा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मेरे पापा दोबारा हाई किए कैमरा को। और सो यार गाइस, नाउ गोना फिनिश द हलवा एंड गो बैक टू माई होम। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना। अ लॉट ऑफ यू गाइस वॉच माई वीडियोज़ बट डू नॉट सब्सक्राइब। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। That will not only support me but also motivate me creating more such videos.